सभी को यहाँ सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया है। हुस्न की मलिका का स्वयं और खिलजी को खबर तक। हमें तलवार की युद्ध कला से डर कोनी, पर एक राजपूत की तलवार सिर्फ अपने दुश्मन पर उठे हैं, और अगर दुश्मन भी हमें अपनी पीठ दिखा दे तब भी हमारी तलवार उस पर वार को नहीं करे, और ना ही ये तलवार कभी किसी स्त्री या बच्चों पर उठे। क्षमा करें महाराज, आज भरे जलसे में आपने हमारी तलवार एक स्त्री पर उठवाकर हमारी तलवार का भारी अपमान किया है। राजकुमारी पद्मावती, हम आपके अपराधी हैं, ये लीजिए। हम चाहते हैं कि इस तलवार से आप जो चाहें हमें दंड दें, चाहे तो हमारा सिर कलम कर दें, हम उफ तक नहीं करेंगे। नहीं राणा जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। मर्दाना भेस बनाकर सबके सामने लड़ने का निर्णय हमारा था, और इसीलिए हम ही इसके अपराधी हैं। आप पिताजी को क्षमा कर दें, हमें अपनी हार स्वीकार्य है। धोखा, हमारे साथ धोखा। पहले तो आपने स्वयंवर की शर्त बदलकर हमारे साथ धोखा किया, ऊपर से तलवारबाजी के लिए एक स्त्री को मैदान में उतार कर हमारा घोर अपमान। मलखान सिंह, स्वयंवर में हारने के बाद अपनी हार को स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी सलामती इसी में है कि सम्मान के साथ तुम यहां से चले जाओ। और तुम्हारी सलामती इसी में है, तुम बीच में ना आओ राणा रतन सिंह। वैसे भी तुम बिन बुलाए मेहमान हो, हट जाओ मेरे सामने से। नहीं मलखान सिंह, ऐसे तो नहीं। हाँ, अगर अभी भी तुम्हारी तलवार में धार है तो हमें अपने सामने से हटा दो, या चुपचाप यहां से चले जाओ। रतन सिंह, मेरी आंखों में भी सांप की आंखों की पुतली है, इसमें यदि किसी दुश्मन की छवि एक बार अंकित हो जाए तो फिर उसके मौत के बाद ही जाती है। चलो। और सिंहल द्वीप के स्वयंवर की शर्त को
चित्तौड़ के महाराज समर सिंह के सुपुत्र राजकुमार रतन सिंह ने राजकुमारी पद्मावती को हराकर जीत ली है और इस शर्त के अनुसार महाराज गंधर्व सिंह की तरफ से हम इन दोनों के विवाह का ऐलान करते हैं। राजकुमारी पद्मावती की, राजकुमारी पद्मावती की, राजकुमार रतन सिंह की, राजकुमार रतन सिंह की। बधाई हो महाराज। रतन सिंह की, रतन सिंह की, रतन सिंह की, रतन सिंह की। हजरत बुलंद मकाम की हिदायत के बाद भी राजा रामदेव राय ने हजरत बुलंद मकाम को यलगार के लिए मजबूर किया और फतेह हजरत बुलंद मकाम की हुई। लिहाजा देवगिरी महाराज की रियासत पर अलीजाह की तरफ से अब और कोई हमला ना हो, इसके लिए सालाना 1,00,000 अशरफियां, सिक्का राजाउल वक्त और 10 हाथी दिए जाएंगे। और अभी 250 मन सोना, 1,000 मन चांदी और 4,000 आला रेशमी थान नजराने के तौर पर वसूलते हैं। अगर कारा के फरमान की नाफरमानी हुई तो देवगिरी के साथ कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। आली मर्तबा, ये नाजनीन यहां की शहजादी है, यहां के राजा रामदेव राय के भाई की बेटी। इसे हमारे हरम में पहुंचा दिया जाए, इसकी जीनत वही है। पर जनाब, ये हमारे करार का हिस्सा है ही नहीं। हमने कब कहा हमारे करार में नहीं? ये तो रामदेव राय का दिया है, उनकी जान बख्शी का नजराना, ये सिर्फ हमारे लिए। नहीं नहीं, ये तो नाइंसाफी है। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ तुम्हें मिल चुका है। हमने कब कहा नहीं मिला? खिलजी, ये हमारी राजकुमारी है, इसे छोड़ दो। हम जरो दौलत छोड़ सकते हैं, हुस्न कतई नहीं। फिर ये तो हुस्न की मालिका है। अगर हमें इस बात का पता होता कि हमारा मुकाबला एक योद्धा के साथ नहीं, आपके साथ है, तो हमारी तलवार आप पर उठने से पहले ही अपनी म्यान में पहुंच जाती। कोई भी राजपूत कभी भी किसी स्त्री पर तलवार नहीं उठा सकता। पर हमारी भी जिद थी कि अगर हम विवाह करेंगे तो सिर्फ उससे जो हमें तलवार की युद्ध कला में पराजित कर देगा, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्वयंवर में आप जैसे शूरवीर भी थे जिनसे हार कर हम खुद को ही हार गए। और यकीन माने,
इस हार में कहीं ना कहीं हमारी ही जीत छुपी है। हार तो हम भी चुके हैं। आपने युद्ध हारा है तो हमने हमारा दिल। आइए यहां आइए। आपका नाम? बादल सिंह। तो बताइए बादल, आप हमारे साथ चलेंगे? अगर आपकी जीजी हमारे साथ चलेंगी तो? नहीं, तब भी नहीं। क्यों? आप युद्ध करके उनको यहाँ से ले जाओगे तो हम युद्ध करके उनको वापस ले आएंगे। हम हमारी जान भी दे सकते हैं पर हमारी जीजी को ऐसे नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे और ना ही स्वयंवर की शर्त से पीछे हटेंगे। तो फिर राणा जी और राजकुमारी पद्मावती की शादी का ऐलान सुनकर उन्हें बधाई देने की बजाय आप वहां से चले क्यों आए? जजा महाराज, सब जानते हैं कि आप राजकुमारी पद्मावती को कितना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी बेटी को उम्र भर विदा न करें। हम जानते हैं आपने जानबूझकर स्वयंवर रखा और स्वयंवर की शर्त भी ऐसी कि जिसे कोई राजा पूरी ना कर सके। हमें तो ये भी नहीं पता था कि पद्म सिंह कोई और नहीं राजकुमारी पद्मावती है। हाँ, हमें भी लगा था कि पद्म सिंह एक महान योद्धा है, यह नहीं मालूम था कि वो राजकुमारी पद्मावती है। क्षमा करें महाराज, पर स्वयंवर तो और भी तरीके से हो सकता था किंतु हम चाहते हैं कि हमारी पद्मावती का विवाह किसी ऐसे वीर के साथ। बस कीजिए महाराज, अगर आप सच में पद्मावती का विवाह चाहते तो आप पूरे हिंदुस्तान को न्योता भेजते, आस पास के चंद राजपूत राजाओं को नहीं। ये तो पद्मावती के भाग्य से राणा जी वहां आ गए, नहीं तो। और महाराज, अब तो राणा जी ने स्वयंवर भी जीत लिया है, अब आपकी ये जिद ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्यों ठीक नहीं है? हम जानते हैं आपको बुरा लग रहा है, किंतु हमारी भी मजबूरी है। हम राणा रतन सिंह को बिल्कुल भी नहीं जानते, उनकी सत्यता को जानने के लिए हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो आखिर अब आप करना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। हम राणा रतन सिंह की बात की सत्यता को जानने के लिए उनके सामने एक और शर्त रखना चाहते हैं। वो कितने बहादुर हैं ये तो हमने देख लिया, किंतु उनका हृदय कितना साफ है ये भी हम देखेंगे, इसलिए उन्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। अभी भी आपकी कोई शर्त है? हाँ है, हम राणा जी को बिल्कुल भी नहीं जानते, इसीलिए विवाह से पहले उन्हें हमारी एक शर्त माननी होगी, तभी हम विवाह की अनुमति देंगे। सच तो यह है कि आप राजकुमारी का विवाह करना ही नहीं चाहते। हाँ हाँ हाँ, हम राजकुमारी पद्मावती का विवाह करना ही नहीं चाहते।
लगता है बादल हमसे अभी भी नाराज है, बहुत प्यार करता है आपसे। हाँ, क्योंकि मामी जी के देहांत के बाद वो हमेशा हमारे पास ही रहा है। देखिए ना कितना छोटा है, पर उसकी बातें ऐसी कि बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर दे, इतनी गहरी। आप क्या हमसे नाराज हैं? अच्छा हमें बताइए कि आपकी नाराजगी कैसे दूर होगी? आपको हमें तलवारबाजी सिखानी पड़ेगी। जरा बच के रहिएगा राणा जी। किससे? आप हमें तलवारबाजी सिखाएंगे या नहीं? हाँ हाँ चलो, पहला शिष्य देखा है जो डांटता भी है। महाराज को हर तरह से समझा लिया, पर पता नहीं अब महाराज राणा रतन सिंह से और क्या करवाना चाहते हैं। अब और कौन सी शर्त बाकी रह गई है उनकी? पहले तो महाराज ने बिना सोचे समझे, बिना हमसे मशवरा किए अपनी ही राजकुमारी को तलवार की युद्ध कला के लिए मैदान में उतार दिया। ये तक नहीं सोचा कि अगर राजकुमारी को कुछ हो जाता तो, अगर उसे कुछ हो जाता तो हम महाराज को कभी माफ नहीं करते। हम जानते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर अगर देखा जाए तो महाराज ने भी बड़ी समझदारी से काम लिया है। बेटी का जीवन दांव पर लगाने में आपको कौन सी समझदारी की बात नजर आती है? हमें तो लगता है ये स्वयंवर रचाकर महाराज अपने दो सवाल हल करना चाहते थे। एक, इस स्वयंवर में पधारे सारे आसपास के राजाओं को वो राजकुमारी पद्मावती और सिंघल द्वीप की ताकत दिखाना चाहते थे, और दूसरा कि अगर राजकुमारी पद्मावती हार भी जाती तो राजकुमारी के साथ साथ उस राजकुमार की ताकत भी सिंघल द्वीप का एक हिस्सा होती जो यहीं कहीं आसपास का ही होता, और इन सारी दशाओं में राजकुमारी भी यही कहीं पास ही रहती, उनके हृदय के पास। हम आपकी बात से सहमत हैं, पर यह तो निजी स्वार्थ हुआ ना। वो तो राजकुमारी पद्मावत के भाग्य से उसे राणा रतन सिंह जैसा योग्य वर मिल गया, पर अब उस पर एक और शर्त। राणा जी, इसकी उम्र पे मत जाना। राणा जी, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ये क्या बचपना है बादल? अतिथियों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? आप इसे माफ कर दीजिए, ये हमें बहुत चाहता है इसीलिए ये इतना गुस्सा है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.